कृपा हम आप सब पे है। मैं बिना कृपा के कोई यंत्र हमने देखा है, बंडाल तक के आदमी है, क्या बात है ना, सुशागंज तक के आदमी है, सुखाबाद तक के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो ऐसे नहीं भाई, ये पागल नहीं होएगा जो यहाँ लोग आए। भोले बाबा की बहुत मोहन कृपा, और ना आदमी को काम ही तो फोसते थे ना। एक महाराज जी साल भर लगे हो जाते, हमें कोई बताया कि नगर हमें कितने दारे घटते, तो हमें लगे मरे जाते पैसे घटते ना है, तो भोले बाबा के दर्शन तो क्यों है। और साथियों, ये वो जगह है जब यक्ष महाराज ने और पंडवों से क्वेश्चन करे थे, एक एक करके पांचों पंडा इसी ताल पे मारे गए थे। तो ये वही जगह है। इस तालाब का नाम था सतलुज सरोवर। जब अज्ञातवास के लिए यहाँ पे मतो बनाए रहे थे बैठे बैठे, उसी समय जब यक्ष महाराज क्वेश्चन हार गए, तो उन्हें कही कि आज रुक सतसई पे जाओ। इस घाट का नाम था सतसई, सरसई नहीं था, सतसई। और ये सरसई नावर क्यों प्रसिद्ध हुआ कि सतसई थे तो सीधे सीधे कौन लगे, अबे गांव है जसवंत नगर, हम तुम कहा जसन नगर, है सुखाबाद कहा सहूदाबाद, ऐसे सरसई कौन लगे। नावर माने होती है झील, सरसई नावर, इसलिए इसका नाम रख दिया सरसई नावर। जब पंडवा अज्ञातवास के लिए 13 वर्ष में छिपने के लिए जा रहे थे, उसी समय ये कही कि तुम्हारी अज्ञात सफलता अज्ञात वर्ष सफल हो जाएगी अगर तुम मूर्ति इन भोले की लगवाओ। तो उन्होंने कही थी एक मूर्ति की चली गया, हम 1000 मूर्ति लगवाई थी। ये बात है दुष्टन ने अपने मुखारबिंद से कहा। अब मूर्ति आए कौन थे 1000। अब इन्होंने यहाँ पे हवन किया, और हवन करते समय उसी कुंड से भोले बाबा की मूर्ति निकली, और उन्होंने कहा कि 1000 मूर्तियों के बराबर में एक ही मूर्ति है जो बने जाती है। अभी आप चले जाएं भोले बाबा की मूर्ति देखे जाके, उसमें 1000 लकीरें होंगी, एक ही मूर्ति, दूर थोड़े हो, ध्यान देख लो। ये बहुत पुण्य जगह है, और ये धर्मराज और मैं चैनल वालों से अनुरोध करते हैं कि हमारी इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को ऊपर तक पहुंचाने का कष्ट करें, हमारा यही आपसे निवेदन। Hey,